हेलो फ्रेंड्स, कोडिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन में हम किस प्रकार के डेटा टाइप्स हैं वो यूज करते हैं। क्योंकि जब भी हम प्रोग्रामिंग बात करेंगे या मैथ्स के जो वीडियोस है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले जो डेटा टाइप है उसको जान लेना बहुत जरूरी है। तो पाइथन में किस टाइप के डेटा होते हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पाइथन में हम डेटा टाइप यूज करते हैं वो होता है, इसको मैं एक फाइल ओपन कर लेते हैं, उसमें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा डेटा टाइप है वो है इंटीजर। तो इसमें क्या होता है, जो भी हम डेटा लिखते हैं जैसे x इज इक्वल टू 5, तो ये इंटीजर होता है, यानी इसके बाद कोई पॉइंट नहीं आएगा, इसके बाद डेसिमल नहीं आएगा। इंटीजर आपका नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, इट कैन बी -20, इट कैन बी -15, इट कैन बी 0, और इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, लाइक दैट ओनली। सो ये जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं इंटीजर। और दूसरा जो टाइप आता है डेटा का वो आता है हमारा फ्लोटिंग। दूसरा जो डेटा का टाइप आता है वो आता है फ्लोटिंग नंबर। तो फ्लोटिंग में क्या होता है, फ्लोट करता है ये, जैसे मान लीजिए 2.53 हो गया, ये डेसिमल्स में चलता है। अगर आपका सिंपल नंबर है तो ये टाइप करेगा तो इसको 2.0 टाइप करेगा, या फिर 3.5 टाइप किया। तो इस टाइप के जो डेटा होते हैं उनको बोलते हैं फ्लोटिंग नंबर। जब भी हम डेसिमल में नंबर चाहेंगे तो हम फ्लोटिंग यूज करेंगे, अगर हम डेसिमल हटाना चाहेंगे तो हम वहां पे उसको डेटा को इंटीजर कर देते हैं। ये इनका यूज क्या है वो हम बाद में देखते रहेंगे, अभी हम समझ रहे हैं ये डेटा टाइप है क्या। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका एक इमेजिनरी टाइप नंबर होता है, उसमें फ्लोटिंग जो डेटा है वो भी आएगा, जो हमारा स्ट्रिंग्स होता है वो भी आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स डेटा है वो आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2j, इस टाइप का जो डेटा होगा वो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जो डेटा टाइप आता है दैट इज स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का क्या होता है, एक सिंपल लाइन होती है, जैसे माय नेम इज रमेश, इस टाइप के जो डेटा है वो स्ट्रिंग्स कहलाता है जनरली, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, तो ये हमारा स्ट्रिंग हो जाता है। उसके बाद जो डेटा आता है वो आता है आपका बुलियन। बुलियन का मतलब क्या होता है, बुलियन दो टाइप का होता है, वो डेटा होगा या तो ट्रू और फॉल्स की जो हम कंडीशन लगाते हैं वो डेटा कहलाता है, वो बुलियन डेटा हो जाता है। अब जो अगला जो डेटा का टाइप आता है वो आता है लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है, जैसे जनरली हम लोग लिखते हैं तो लिस्ट को हम लोग बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखना है 1 2 3 5 4 5, ऐसे आप कुछ भी जो लिस्ट होता है वो आपका एक डेटा बन जाता है, उसको हम लिस्ट बोलते हैं। और लिस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और सबसे ज्यादा जो हम पाइथन में बात करते हैं तो लिस्ट का जो डेटा है वो ही हम यूज करते हैं। और इसमें क्या है, आप चाहे तो डेटा को चेंज कर सकते हैं, इसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहती है। तो नेक्स्ट जो डेटा टाइप हमारे पास आता है वो आता है हमारा ट्यूपल। ट्यूपल और लिस्ट जो होती है दोनों लगभग सिमिलर टाइप के होते हैं, जैसे ट्यूपल जो है हमारा, ट्यूपल जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे लिस्ट में हम लोगों ने बड़े ब्रैकेट से स्टार्ट किया, बड़े ब्रैकेट से बंद करते हैं, ट्यूपल में क्या करते हैं हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। ट्यूपल में क्या होता है, जो डेटा होता है वो चेंज नहीं होता है, इम्यूटेबल डेटा होता है। इम्यूटेबल डेटा वो डेटा जो टाइप्स होते हैं उनको हम ट्यूपल में रख देते हैं। ट्यूपल भी बहुत ज्यादा यूज होता है जब भी हमें फास्ट जो लिस्टिंग करनी होती है और हमें लगता है कि इस डेटा को हम चेंज नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, ट्यूपल में रख देते हैं। जैसे ये हमारा ट्यूपल आ गया, ठीक है। जरूरी नहीं कि जैसे मैं ये लिख रहा हूं आपको लग रहा होगा कि ये डेटा ऐसे ही लिखा जाता है, ये जो लिस्ट है इसको मैं ऐसे भी लिस्ट बनाई जा सकती है हमारी, जैसे वन प्रिंट 1.5, तो इस टाइप से मिक्स डेटा है उसकी लिस्ट भी बन सकती है। सिमिलरली ट्यूपल में भी आप इस हिसाब से बना सकते हैं, आप चाहें तो ट्यूपल ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ट्यूपल को जैसे मैंने 1 किया, फिर
फिर कलर कर देता हूं मैं यहाँ पे पेन कर देता हूँ, यहाँ पे 2.59 कर देता हूँ, तो ये भी आपका ट्यूपल बन जाता है। तो ये जो है ट्यूपल की और इसकी स्पेशलिटी है। अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मान लीजिए कोई ट्यूपल का पर्टिकुलर डेटा मुझे निकालना है, तो हम यहाँ से इसका जो डेटा है ट्यूपल का वो निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंट, तो प्रिंट के लिए हमने ये किया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करना है, और डबल इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे ट्यूपल है तो टी लिखेंगे, टी के बाद हमें क्या करना है बड़े ब्रैकेट के अंदर करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी हम चाहे लिस्ट हो या ट्यूपल हो, जब भी प्रिंट करना होता है उसका कोई पर्टिकुलर डेटा, तो उसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो मेरे को ट्यूपल का जो डेटा है, मान लीजिए ट्यूपल में क्या होता है, जो ये डेटा होता है इसको वन, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी 0 1 2 3 ऐसे चलता है, तो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये अगर मुझे डेटा प्रिंट करना है तो मुझे ट्यूपल यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हम इस डेटा को प्रिंट है वो करवा सकते हैं। तो इसके बाद जो अगला हमारा डेटा टाइप आता है वो आ जाता है सेट्स जो होता है वो आता है। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है सेट। सेट्स क्या होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स होता है। यूनिक आइटम है लेकिन वो किसी ऑर्डर में नहीं है, अनऑर्डर्ड है, तो उसको हम क्या कर देते हैं सेट कहते हैं। और उसको लिखने के लिए, सेट के लिए हम क्या करते हैं, जो मीडियम ब्रैकेट होता है उसको हम यूज करते हैं। और जैसे मान लीजिए ये मैंने लिख दिया 5 3 1 4 9, तो ये जो डेटा है ये हमारा सेट्स कहलाता है, क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो आप इनके ब्रैकेट को याद रखें, जब भी हम लिस्ट की बात करेंगे हम बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, जब भी हम ट्यूपल की बात करते हैं तो हम छोटा ब्रैकेट यूज करते हैं, और जब हम सेट्स की बात करते हैं तो मीडियम जो ब्रैकेट है वो यूज करते हैं। दोस्तों मैं कहीं पर भी कंप्यूटर लैंग्वेज है उसको, जो कंप्यूटर भाषा है उसको कम से कम जो कोशिश करूंगा ताकि आप समझ पाए, एक आम आदमी की भाषा जिसको प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है वो किस प्रकार से समझता है नंबर्स को, उसी प्रकार की भाषा का हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब जो अगला डेटा टाइप हमारा आता है वो आता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम कुछ डेटा होता है उसकी वैल्यू होती है वो उसको दे देते हैं। यहाँ पे डिक्शनरी है वो इंग्लिश के डिक्शनरी वाला नहीं है, यहाँ पे हम डेटा को क्या कर देते हैं एक वैल्यू दे देते हैं, और जब भी हमें वो डेटा चाहिए होगा तो हम क्या कर देते हैं उसको डिक्शनरी से यूज कर देते हैं। कंप्यूटर को हम पहले समझा देते हैं कि हम जो डेटा यूज करेंगे उसका मतलब क्या होगा। तो डिक्शनरी की जो वैल्यूज लिखी जाती है उसको हम क्या करते हैं, जो मीडियम ब्रैकेट है उसके अंदर ही लिखते हैं, लेकिन उसका लिखने का तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए मैं इसको वैल्यू करता हूँ 1, तो मैं 1 का मतलब इसको बता रहा हूँ भाई, 1 मतलब होता है मोर। सिमिलरली आप यहाँ पे और भी डेटा लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 2 2, जब भी मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉरी लेस लिखूंगा, तो लेस का मतलब क्या होगा इसको समझना है, लेस का मतलब है 3। तो इसमें क्या है, जब भी आप कंप्यूटर में टाइप करेंगे प्रिंट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे आपको करना है, तो आप जैसे लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट करवाना है हमें कोई चीज, तो हम लिखेंगे प्रिंट, तो यहाँ पे डेटा टाइप लिख दिया हमने, टाइप कौन सा डेटा है, तो डेटा टाइप है हमारा डिक्शनरी, ये हमारा हो गया प्रिंट डेटा टाइप, प्रिंट डिक्शनरी। अब हम इसको बोलते हैं अब प्रिंट करवानी है हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू, तो हम बोलेंगे इसको प्रिंट डिक्शनरी का वैल्यू इज 1 है, उसको कैसे ये प्रिंट करेगा, तो हमने डी इज इक्वल टू ये कर दिया। अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये हमें जो डेटा है वो हमारा निकाल करके दे देगा। तो इस प्रकार से हम जो डिक्शनरी है उसको यूज करते हैं। इनका यूसेज क्या है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे, तब तक के लिए आप देखिए इन डेटा को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आपस में, कैसे ये टाइप होते हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ।